Good morning, class 10. Today on the 8th of April 2020, I am starting my unit 2 from the chapter Nationalism in India. I have sent you an assignment of 17 questions. Hope you have all done and gone through it. Today my unit 2 begins and the topic of the book states different strands in the non-cooperation movement. बेसिकली स्ट्रैंड्स का मतलब होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अलग अलग मतलब क्या थे. व्हेन वी गो थ्रू द टॉपिक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमने अपना चैप्टर छोड़ा था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. हेयर केम के स्टैंड्स फॉर खिलाफत. खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन और यू कैन से इट बिगैन इन जनवरी 1921. इज इट क्लियर? याद है हमने किया था दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस लीडर्स ने अपनी मंजूरी दी थी कि ओके वी आर गोइंग टू सपोर्ट द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. व्हेन आई गो थ्रू दिस टॉपिक हाउ द मूवमेंट वेंट ऑन थ्रू आउट द कंट्री वी डिवाइड दैट द मूवमेंट वॉज हैविंग डिफरेंट स्ट्रैंड्स. डिफरेंट स्ट्रैंड्स का मतलब होता है different meaning, different level of participation. आज मैं जो concentrate करने वाली हूँ इस lecture में, I am going to concentrate upon the topic how non-cooperation movement went in towns and cities. सबसे पहले when we talk about non-cooperation movement in towns and cities, it includes the participation of the middle class. अब मिडिल क्लास में वो सारे आते हैं बेटा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं. दोज हु आर वर्किंग विद आर्मी, दोज हु आर वर्किंग विद पुलिस, दोज हु आर एम्प्लॉयड एज सिविल सर्वेंट्स, दोज हु आर वर्किंग एज टीचर्स, लॉयर्स, हेडमास्टर्स, कोई भी नौकरी पेशा लोग या कि स्मॉल बिजनेसमैन. हाउ डिड दे पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट? एज सून एज गांधी जी स्प्रेड द मैसेज अलॉन्ग विद शौकत अली फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स, यहां थाउजेंड्स मैंने ऐसे लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. अपने अपने स्कूल्स को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है कि हम ब्रिटिश स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे. सिमिलरली मेनी हेडमास्टर्स, टीचर्स, यहां हेडमास्टर्स उस समय प्रिंसिपल्स को ही हम कहते थे, मेनी हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स रिजाइन्स फ्रॉम देयर पोस्ट्स. Similarly, many lawyers gave up their legal practices. इसी दौरान काउंसिल इलेक्शंस वर बीइंग प्रपोज्ड. प्रोविंशियल काउंसिल्स इंडिया में बनाई गई थी, उनके इलेक्शंस में बायकॉट करने से मना कर दिया गया. फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड एंड दे वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स. Remember yesterday I have given you example of a short story from Mahatma Gandhi's life. Remember? So all the foreign goods were being burnt into the bonfires जितने की जलाए जा सकती थी. इसके अलावा the liquor shops were picketed. एक नया word है जो आपकी glossary में दिया हुआ है, meaning आपकी books में page number के ऊपर दिया ही होगा. It is a form of a demonstration, it's a form of a protest. जहां पर लोग किसी भी office, किसी भी शॉप, किसी भी जगह की जो भी एंट्रेंस होती है उसको ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं. नाउ प्लीज लुक इनटू द पॉइंट्स. मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स 6 पॉइंट्स. आंसर चाहे 3 नंबर का आए चाहे 5 का आए, आप 6 पॉइंट्स ही ऐड करोगे. आप इसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे इसी तरीके से याद रखेंगे आप. क्लियर टू एवरी वन? बिसाइड्स दिस एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारे ये काउंसिल इलेक्शंस बायकॉटेड के ऊपर बेस्ड है. हर जगह के ऊपर काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया गया था एक्सेप्ट इन मद्रास. मद्रास में जितने भी नॉन ब्राह्मिन्स लीडर्स थे दे participated in the council elections, they decide to participate and they formed justice party. Justice party kyun form ki and why non-brahmins participate? Iska reason ye hai
कि पहले हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रूप से एक्सेप्ट किया जाता था और मद्रास में नॉन ब्राह्मिन्स को एक्सेस नहीं था टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. ओनली द ब्राह्मिन लीडर्स आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इन द काउंसिल इलेक्शंस. सो व्हेन काउंसिल इलेक्शंस वर गिव टू बी बायकॉटेड वर गिवन एज एन एजेंडा देन नॉन ब्राह्मिन्स फॉर्म्ड द जस्टिस पार्टी. अगर अब इससे ईयर पूछा जाता है इट इज फॉर जस्ट फॉर एनटीएससी स्टूडेंट्स देन यू हैव टू राइट इट 1919-20. इट वॉज फॉर्म्ड बाय नॉन ब्राह्मिन्स और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इन्हें करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपका बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं हु फॉर्म जस्टिस पार्टी एंड बाय. सो जस्टिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द नॉन ब्राह्मिन्स बिकॉज दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन टू बी हेल्ड इन द ईयर 1920. होप दिस टॉपिक इज बींग क्लियर टू डू. नाउ moving to the next passage it comes like what were the effects of non-cooperation movement. This will be your question 2 for the day. When I do this question the question 2 ye kehta hai jab itni sari cheeze boycott ho rahi thi so economic front ke upar non-cooperation ka jo effect tha wo bahut hi zyada strong tha. Foreign goods ko bilkul boycott kiya gaya tha. Liquor shops ko band kar diya gaya tha. Liquor shops yani sharab ki dukanein hota hai लेकिन उस समय बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी. इट वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम. ओके फॉरन जो भी क्लोथ्स थे दे वर बर्न्ड इनटू ह्यूज बॉनफायर्स. इसके अलावा अगर फॉरेन गुड्स को बायकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को बॉनफायर में जलाएंगे तो जो भी बाहर से आता हुआ इम्पोर्ट सामान था हिंदुस्तान में वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हुआ था. इट रिड्यूस्ड अप टू हाफ. जैसे कि 102 करोड़ का उस समय इम्पोर्ट था लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आने के साथ 1921 में इट ओनली टर्न्ड आउट टू बी द 57 करोड़. क्लियर टू एवरीवन. 21-22 का डाटा है फाइनेंशियल ईयर का. इसके अलावा इंडियन मर्चेंट्स जो थे उस समय या ट्रेडर्स जो थे दे रिफ्यूज्ड दैट दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन एनी सर्कमस्टांस रिलेटेड टू फॉरन गुड्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू फाइनेंस. वो कोई भी तरीके का पैसा नहीं लगाएंगे इन द फॉरन ट्रेड. अगर फॉरन गुड्स बायकॉट होंगे अगर फॉरन ट्रेड हाफ हो जाएगा इम्पोर्ट घट जाएगा मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसकी जगह पर आने लग गई इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स हाथों से बना हुआ हैंडमेड क्लोथ. ठीक है इसकी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचने लग गई. सिमिलरली जब हम आगे की तरफ करते हैं तो हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली तो सही बट स्लोली ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब होता है समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे आने लगी. इट स्लोड डाउन ये कम हो गई धीमे पकड़ गई. नंबर वन रीजन खादी जो कि हाथों के द्वारा बनाया हुआ मटेरियल था इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव मच मोर एक्सपेंसिव देन अ मिल क्लॉथ एंड अल्टीमेटली पुअर पीपल जो थे दे वर पुअर पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. क्या होगा सर्कमस्टांस they started wearing again the man-made cloth or the foreign cloth. Similarly, there was absence of Indian alternative institutions. COVID-19 के चलते हुए we are giving you lectures like this. This is alternative. Syllabus तो continue करना है लेकिन बेटा आपसे 100 साल पहले British institutions को boycott करना एक रास्ता था लेकिन कोई alternative institution नहीं था. इसीलिए स्टूडेंट टीचर्स लॉयर्स या गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी और एनी अदर दे अगेन ज्वाइन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और टाइम के साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना मोमेंटम लूज कर जाती है. टुडे वी हैव डन 3 क्वेश्चंस. नंबर 1 मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नंबर 2 impact of non-cooperation movement on economic issues or economic front. Number 3 why non-cooperation movement slowed down. Tomorrow we will be doing how non-cooperation movement started in countryside. Thanks guys, bye.